वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हम लोग घर पर बैठे हुए हैं। मैं आज व्लॉग शूट अभी शुरू कर रही हूँ शाम के 4:30 बजे से, और बहुत गर्मी हो रही है और हम लोग ऐसे बैठे हुए थे। ये देखो मेरा बेटा, ये साइकिल चला रहा है। यहाँ पर इसकी साइकिल लेके आई थी मैं यहीं। मैं आजकल अपने मायके आई हुई हूँ, तो मैं अब जब भी आती हूँ तो मैं इसकी साइकिल, इसके थोड़े से टॉय वगैरह साथ में ले ही आती हूँ, ताकि इसका मन भी लग जाता है, और वरना बच्चे बोर भी हो जाते हैं क्या करें करके। तो अभी बस बैठे हुए थे, थोड़ा दिन में आराम करा, उसके बाद अब उठ चुके हैं। और बहुत गर्मी हो रही है, हल्द्वानी में भी बहुत गर्म है। मैं आपको अभी बाहर में बाहर का व्यू दिखाऊंगी, देखना इतनी गर्मी हो रही है, दिन भर इतनी धूप है कि बिल्कुल बाहर जाने का मन नहीं करता है। आजकल जो लोग बाहर ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों की तो बहुत ही मुश्किल भरी ज़िंदगी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताएं। और आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरे ब्लॉग को देखते रहिएगा। चलो मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी किचन की तरफ। हम मैं बनाती हूँ चाय, और मेरा बेटा भी उठ गया है, तो मैं इसके लिए भी कुछ खाने पीने का कुछ बनाती हूँ। चलिए मैं आपको किचन में जाके मिलती हूँ। यहाँ पर मैं इसके लिए बना रही हूँ जूस। इसको माल्टे का जूस बहुत पसंद है, बच्चे गर्मियों में जूस वगैरह पीने के लिए बहुत ही दिक्कत आ रहा था, तो मैं इसलिए माल्टे का जूस बना रही हूँ। सबसे अच्छा हेल्दी भी रहता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाने से अच्छा तो आप फलों का जो जूस होता है वो पिलाओ, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं इतना सा जूस मिला के इसमें डालूंगी पानी। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी मिलाया है क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है, पानी नॉर्मल वाटर बहुत गर्म होता है। अब मैंने इसमें थोड़ा नॉर्मल वाटर, और ये इसको मैंने बोतल, अभी ऐसे जूस पीता रहता है। मैं इसके लिए बनाती हूँ पराठा या दलिया वगैरह, या बच्चे जो भी खाना पसंद करें। तो मैं आज इसके लिए बना लेती हूँ पराठा, और यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, तो मैं इसके लिए कुछ बनाती हूँ। तो आप लोग मामा की है वो, उसको वहीं रखो। ये बन गया मेरा पराठा चाय, और मैंने सभी लोगों को चाय दे दी है। तो चलो देखिए फ्रेंड, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और मैं आपको धूप दिखाती हूँ। अभी तक भी इतनी धूप हो रही है, इतनी तेज धूप है, देखिए इतनी तेज धूप हो रही है अभी भी। आजकल बहुत गर्मी है, मैं अभी बाहर आई हूँ टेरेस पर हमारे, यहाँ पर मम्मी ने थोड़े प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये फूल लगा रखे हैं। आ जाओ, ये उज्जवल आप बाहर आ रहे हो? अच्छा, यहाँ पर मम्मी ने गोहत की दाल भी सुखाई थी, देखिए इस पर थोड़ा कीड़ा लग गया था। ये है देखो, गोहत की दाल है, इस पर थोड़ा कीड़ा लग गया था, ये बहुत टाइम से बंद पड़ी होगी अंदर, तो इस पर कीड़ा लग गया था। इसको 2 दिन सुखा लिया है। अब इस पर मम्मी तेल और नमक, सरसों का तेल और नमक वगैरह लगा के एक डिब्बे में रखेगी, जिससे इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। उससे आप लोग भी अगर आपकी गोहत की दाल में कीड़ा वीड़े से बचाना चाहते हैं, तो उसमें सरसों का तेल और नमक मिक्स करके डिब्बे में डाल दें, उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता। ये हमने 2 दिन यहाँ पर सुखा लिए, अब ये साफ़ हो चुकी है, बहुत तेज़ धूप थी, अच्छे से सूख गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर मम्मी ने इसमें गिलोय भी लगा रखा है। आपको याद होगा कोरोना के टाइम पे अगर जिसको भी कोरोना हो जा रहा था तो ज़्यादा गिलोय का जूस पीने के बोल रहे थे, तो ये रहा गिलोय का पेड़, बेल होती है इसकी, देखो ये है, यहाँ से ऐसे करके छत पे गई है, आप लोग देख रहे होंगे। ये हमने बहुत छोटा सा पौधा लिया था, ये मैंने अपने घर पर भी वहाँ भी लगाया है, मैं यहीं से ले गई थी गमले में, वहाँ भी लगाया है, ये इतना बड़ा हो चुका है। आप इसकी जो ये वाली इसकी बेल है, इनमें से ऐसे करके तोड़ के इसको थोड़ा किसी जैसे इमानजिस में या किसी में वो करके गर्म पानी में बॉईल करके इसका
जूस जैसा बना सकते हैं, तो उसको पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। अभी मेरे ससुर जी को भी कोरोना हुआ था, तो उस टाइम पे हमने उनको भी बहुत दिया था ये। तो ये पौधा तो आप लोग सभी अपने घर पे लगाइए, हमने यहाँ भी लगाया हुआ है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। डेंगू के टाइम पे भी अगर आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, उस टाइम पे भी इस पौधे की बहुत ज़रूरत होती है। ये बेल बहुत ही गुणकारी लाभकारी मानी जाती है। और मेरे पास में आपको यहाँ पर हमने अंगूर की बेल भी लगा रखी है, ये देखो यहाँ पर अंगूर भी हो रहे हैं, ये देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अंगूर भी हो रहे हैं, ऊपर भी हो रहे हैं सारे अंगूर। देखो ये बहुत बड़ी बेल है अंगूर की, ये देखिए ये वो नीचे से आ रखी है, देखो से यहाँ पर अंगूर की बेल है, ये देखिए इसमें अंगूर भी हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये अंगूर हमारा बीज वाला अंगूर है, जैसे मार्केट में आते हैं ना वैसे अंगूर, ऐसा मतलब सीधे खा लो ऐसा वाला नहीं है, इसके अंदर जैसे खाते हैं तो मुँह में बीज लगते हैं, ये बीज वाला अंगूर है। तो जब ये बहुत पक जाते हैं तभी ये अच्छे होते हैं, वरना कच्चे में बहुत खट्टे भी होते हैं, लोग इसकी चटनी भी बनाते हैं। तो मेरी मौसी आई थी, मेरी मौसी ने लगाया था ये, तब से बहुत हम लोग कितनी बार काट चुके हैं इसको पूरा नीचे से, फिर इतना बड़ा हो गया, देखो इतना बड़ा बेल हो गई है अंगूर की। और हम लोग तो ऐसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर कभी कभी बंदर वगैरह आ जाते हैं वो खा लेते हैं, कभी किसी को थोड़ा ज़्यादा पक जाते हैं तब अगल बगल बांट देते हैं। ये यहाँ हमारी कॉलोनी है, बहुत गर्मी हो रही है आजकल, तो बाहर बिल्कुल निकला ही नहीं जा रहा है। और आपके यहाँ बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी गाने की, यहाँ पर बैंक्वेट हॉल है हमारे घर के पास में, तो वहाँ महिला संगीत लेडी संगीत वगैरह हो रहा है, वहाँ से आ रही है आवाज़। और ये देखो उज्ज्वल क्या करने लग गया, वो पानी के पास चला गया है। मैं गमलों में पानी डालती हूँ, इसको भी बहुत पसंद है गमलों में पानी डालना, तो ये मेरे साथ ये भी गमलों में पानी डालने लग जाता है। और हम लोगों ने यहाँ भी देखो, मम्मी ने मेरे इतने सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, और वहाँ भी हमारे घर में गमले वगैरह हम लोगों ने वहाँ भी रखे हुए हैं, अच्छे लगते हैं, थोड़ा हरा भरा, खाली सुनसान सा भी क्या अच्छा लगता है, थोड़ा हरा भरा अच्छा लगता है। और बस और तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, कुछ नहीं, वही अपना डेली रूटीन। तो चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी मैं बाहर आई थी आपको ऐसे मौसम थोड़ा यहाँ के जैसे धूप मौसम दिखाने के लिए कि धूप कितनी तेज़ हो रही है आजकल, बहुत गर्मी है। और तो कुछ नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल, हमने कहीं जाना भी नहीं है। अगर हम लोग कहीं घूमने वगैरह जाएंगे तो मैं आपको उस दिन ज़रूर दिखाऊंगी, अभी हम लोग घर पे ही हैं अभी एक दो दिन, अब देखते हैं आगे का ट्रिप क्या रहती है, कहाँ जाते हैं। और चलो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, आप थोड़े शाम को मिलते हैं। अब मैं अभी तो फ़िलहाल बाहर बहुत गर्मी हो रही है, मैं अंदर ही जाती हूँ, अंदर कुछ कर लेती हूँ, इस चाय वगैरह हमने पी ली है और इसको भी मैंने खिला दिया है, बेटे को भी खाना, बस अब बैठे हैं बातें वातें करते हैं, और मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। चलिए ठीक है फिर फ्रेंड्स, अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आप मेरे साथ बने। देखिए अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे, शाम का टाइम है, अभी मैं छत पर आ गई हूँ, थोड़ा ही वॉक करते हैं, बहुत गर्मी है, थोड़ा घूमते हैं। ये भी छत पे ही आ गया है, ये देखो, और ये देखो हमारे घर के पीछे यहाँ पर थोड़े खेत हैं, इन लोगों की अभी थोड़ी ज़मीन बची हुई है तो ये लोग खेती करते हैं इसमें। ये देखिए आम के, आम का बगीचा है ये, आम लीची वगैरह लगते हैं, आम ही है ज़्यादातर, वैसे केले के पेड़ भी हैं, कटहल के पेड़ हैं। और ये यहाँ पे सारा लीची का एरिया है। और आप लोग क्या कर रहे हैं बताइएगा। चलो अब हम थोड़ी वॉक कर लेते हैं, और आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अब हम थोड़े वॉक कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और अभी बजे सुबह के 9, मैंने नहा लिया है और
बस ऐसे ही बैठे थे, अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और मैं कल शाम अपने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई कुछ, फिर खाना वगैरह खा लिया था तो फिर शाम भी थोड़ा बिजी हो गई थी इस चक्कर से, तो मैं अभी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप लोग क्या कर रहे हैं बताइएगा, और आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट करके भी मेरे से बात कर सकते हैं, आप बताइएगा। और चलो अब हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर मैं आपसे जो भी होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। चलिए ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी ये ब्लॉग अभी बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नए ब्लॉग में, बाय।